नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चुका है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में धनपतगंज ब्लॉक के सरैया माफी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चौपाल समेत अन्य जागरूकता कार्यक्रम हुए। इसमें लोगों को भाजपा सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। सुल्तानपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत शहर में यह अभियान शुरू हुआ है। अमेठी के सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल परसावा में पुलिस अधीक्षक इला मारन ने बच्चों और विद्यालय स्टाफ को साइबर अपराध और उससे बचाव के संबंध में जागरूक किया। बहराइच के विजय सोलोन में स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी की तृतीय पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं कवियों का जमावड़ा लगा। बहराइच की नई एसपी चित्रकूट की एसपी वृंदा शुक्ला को बनाया गया। बहराइच रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने परेड की सलामी ली और साथ ही परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में आदेश दिए। रामपुर में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दशरथ सिंह को गलत तरीके से उनके पद से हटाए जाने को लेकर कई दलित और कर्मचारी संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। रामपुर में पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ठंड के मौसम में देर रात गुब्बारे वाले का गुब्बारा न बिकने पर उससे गुब्बारे खरीद कर बच्चों में बांट दिए, जिससे बच्चों और गुब्बारे बेचने वाले युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए पुलिस बल के साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पैदल गश्त किया। रामपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो यह ठंड इसी तरह 30 जनवरी तक रहने की संभावना है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।